राष्ट्रीय पेंशनर सेवानिवृत्त संघ की बैठक का आयोजन किया गया जो कि 5 बिंदु पर केंद्रित थी। इसमें पहला बिंदु पेंशनर्स की पेंशन रोकने बाबत था, जिसके बारे में आज ज्ञापन पत्र भी तैयार कर राज्यपाल महोदय के नाम प्रेषित किया गया। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। आज इस बैठक में गुना कलेक्टर किसी कारण से मौजूद नहीं रहे। आज जिला पेंशन फोरम की बैठक हुई थी, जिसमें 5 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले मुद्दा था श्री आर एस भार्गव, जो इनका न्यायालयिक प्रकरण चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको पेंशन रोकने का अधिकार नहीं है, ना कि पेंशन नियम 9 के अंतर्गत भी रोकने का अधिकार केवल राज्यपाल को है, लेकिन प्राचार्य डाई द्वारा और डीओ के मौखिक आदेश अनुसार रोक दिया गया है। उसका ज्ञापन भी हमने राज्यपाल महोदय को संबोधन करके कलेक्टर को दिया है। और भी विशेष मुद्दे थे, सत्यनारायण सक्सेना अर्जित अवकाश का नवीकरण का था, बैंकों से संबंधित 7 प्रकरण थे, उनका भी निराकरण करने का आश्वासन दे दिया, मतलब लगभग सभी प्रकरणों पर निराकरण करने का आश्वासन कोषालय अधिकारी द्वारा दिया है। और आप प्रसन्नता हमने जाहिर की है कि डीओ हमेशा अनुपस्थित रहते हैं, वो श्रोता के रूप में तो अधिकारियों को बुला लेते हैं जिनको कोई मतलब नहीं रहता, ना उनको कोई जानकारी होती है, और कलेक्टर साहब किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हुए।